नमक और हर मिर्च आ जाते ना, और भी स्वाद में चार चांद लग जाते हैं। गाइस जितनी भी तोता सर्रा ने मुझे देखा नहीं, आवाज सुन के भाग गया क्योंकि गाइस आपने अभी तोता देखा ना, वो मेरे पास में था, बहुत करीब में, क्यों भाग नहीं रहा था क्योंकि मैं मोबाइल चलाने में बिजी था, तो मैं हिला मिला नहीं, तो इस वजह से सुनने लगा कि यहाँ पे कोई नहीं है। मेरे पास में ही ढेर सारे तोता उतरे था। इस वाले खेत पे अभी बोनी हुआ ना गेहूँ का, तो गेहूँ बगरा हुआ है, गेहूँ खाने के लिए उतरा था। गाइस काफी दिन बाद क्रिकेट खेलने आया हूँ। क्रिकेट विकेट खेलकर वापस आ चुका हूँ मैं अपनी काम पे खेत, और काफी दिन बाद खेला यार, तो थोड़ा कंधे पे दर्द सा महसूस हो रहा, शोल्डर। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो आज देश खेत से आने के बाद मैं नहाए धोए, और परसों नहाया था, कल नहीं नहाया था, आज नहाया, तो अच्छा सा लग रहा है यार। और वैसे ठंड में नहाने की इच्छा होता नहीं, लेकिन मन को मनाना पड़ता है कि नहा लो नहा लो। ठंडे पानी से नहाए तो नहीं, इस वजह से तकलीफ होती है, याद पर नल के गरम गरम पानी पे नहाओ तो ही नहा सकते जल्दी। ठंड में डेली नहाना है तो एक ट्रिक है, जो पहले मैं बहुत फॉलो करता था पर अब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काम की वजह से टाइम नहीं मिल रहा। तो सवेरे जैसे उठा और नहा लो, ठंडन कुछ नहीं लगेगा, फिर सारे दिन ठंड भी नहीं लगेगा। याद पर तुम उठने के बाद आराम से नहाओगे ना धोगे ना, तो सारे दिन हल्के हल्के ठंड महसूस होते रहेगा, पर अगर आप उठने के साथ नहा लोगे ना, तो आपको ना नहाने पे ठंड लगेगा ना ही दिन पर ठंड लगेगा। खैर नहाने में तो लगेगा यार थोड़ा बहुत ठंड, आप लोग एक बार नहा के देखना। एक दिन नहाने में कुछ नहीं होता, एक हफ्ते तक नहाना जब आपको एहसास होगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। तो अभी मैं फिलहाल खाने पर बैठा हूँ, खाने पर आज सादे है दाल और चावल, दाल चावल। क्या आपने चने की भाजी खाया? खाया हो तो कमेंट करके बताना, और नहीं भी खाया हो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं अब चने की भाजी खाने वाला हूँ। नमक और हर मिर्च आ जाते ना, और भी स्वाद में चार चांद लग जाते यार चने की भाजी खाने का। चलो ऐसे ही खा लेते, फिर भी ऐसे में मस्त लगता है, खट्टी मीठी खट्टी मीठी। भाई इल्ली ना हो, क्योंकि इस समय में चने पे इल्लियां हो गया। बात कर रहा तो इल्ली मिल ही गया, ये देखो बहुत पतले इल्ली, एकदम हरे इल्ली, बहुत छोटा सा है और पत्ते जैसा हरे है, इसलिए सही शॉट नजर नहीं आ रहा, फिर मुझे तो क्लियर दिख रहा। फिर से वापस आ चुका हूँ, और आज मेरा सर दर्द कर रहा है यार, और अभी मैं कर रहा हूँ ना, अभी मैं पी रहा हूँ चाय, और चाय के साथ बिस्कुट खा रहा हूँ। पहले नाश्ता कर लेता हूँ, फिर सिर की इलाज करता हूँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ठंड ने अब लिया असली वाले रूप, कल से खतरनाक वाली ठंड चालू हो गया। गाइस आज तो काफ़ी खतरनाक वाली ठंड था, इस वजह से मैं खेत पर नहीं था, घर निकल गया था सोने के लिए, तो पानी आनी नहीं चलाया, रात में मैंने पानी बंद कर दी और निकल गया घर। तो दिन पर दे लेंगे पानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठंड तो यार पिछले तीन दिनों से तबाही मचा दे रहा, और लगना भी चाहिए ऐसा ठंड, तब जाके गेहूं वगैरह को फायदा होता है ना, जितने ज़्यादा ठंड पड़ेंगे उतने गेहूं को फायदा मिलेगा।
तो ठीक है, आज के लिए बस इतने रखते हैं। अगर चैनल बने तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर जाना, ताकि ऐसी देसी लाइफ स्टाइल व्लॉग क्या एंजॉय कर सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी बड़ी से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मध्य प्रदेश। फिर मिलते हैं कल सुबह 8:15 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।